यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ना सर्विस चार्ज लिया जाता है, ना रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। तो कई बार होता है कि हम किसी प्लेसमेंट वाले के पास जाएंगे, वो बोलेगा भाई 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के जमा कराओ, फिर पहले महीने की जॉब लगेगी, उसके बाद आपको 50% जमा करवाना है। तो इसीलिए करीब 2001 से हमारी सर्विस चल रही है, अलग अलग कई कंपनियों में हमारी सर्विसेज हैं, है ना। जैसे हमने कहा इंडस्ट्रीज में, माइनिंग के अंदर है, कंस्ट्रक्शन में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी है, टेलीकॉम सेक्टर्स में है, कैपीओ में है, आईटी सेक्टर्स में है। तो अलग अलग फील्ड है, सभी फील्ड में अलग अलग तरह की जॉब हम के लिए हम इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं। जॉब प्रोवाइड करने का मतलब है उसके इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। आपके अंदर अगर थोड़ी बहुत क्वालिटी होगी तो जूनियर, मिडिल, सीनियर, जिस टाइप की आपकी क्वालिटी होगी उसके हिसाब से आपकी जॉब रहेगी। 10th पास का मतलब ये हो गया कि आप एक हेल्पर के तरीके से काम कर पाएंगे, और हेल्पर के हिसाब से अगर जॉब ही जॉब अपन मेरे हिसाब से 8 से 10 हज़ार रुपये मिल जाती है इजीली। और बढ़ने का कारण है जैसे जब 10th पास है उसके बाद आप पढ़ते रहें, आगे से आगे जो भी स्किल्स आपके पास डेवलप होती जाएगी और वैसे वैसे आपको अपॉर्चुनिटी और आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन वो कंप्यूटर चलाना जान गया है, थोड़ा बहुत टाइपिंग वगैरह उसकी अच्छी हो गई है, और इस तरह से या ड्राइविंग सीख लिया है, उसने ड्राइव कर सकता है, तो इस तरह की स्किल्स यदि बढ़ा लेता है तो वो उपयोगी बन जाता है एम्प्लॉयर के लिए। तो आप लोग जो भी यहाँ बैठे हैं ये मान के चलें कि उसमें कोई ना कोई ऐसा हुनर है या हुनर होने की संभावना वो रखता है, तो उससे उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। शुरुआत में हो सकता है आपको ऑफर कम मिलेगा, 8,000-9,000, क्योंकि मिनिमम वेज जो है उसके दायरे से आप शुरू करेंगे, लेकिन यदि आप अच्छी स्किल्स बताएंगे या सीखने की प्रवृत्ति रहेगी तो 6 महीने में ही आपको मल्टीपल जंप्स मिलेंगे। सीधे 9,000 से आप 12,000 पहुंच जाओगे, साल भर में आप 15,000 तक भी पहुंच सकते हो। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए, और जो भी एम्प्लॉयर्स यहाँ पर हैं या स्टॉल्स हैं वहाँ पर अपना खुल के अपने आपस में बात करिए, क्वेश्चंस करिए, यदि उन आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उनसे पूछिए आपको कि किस तरह की क्वालिफिकेशन और आपको चाहिए, क्या स्किल्स मैं डेवलप करूँ, तो उससे आपको जॉब मार्केट का एक अंदाज़ा लगेगा। कहीं पर भी आपको प्लेस किया जा सकता है, लोकेशन का कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जो मिनिमम सैलरी रहेगा वो 12,000 रहेगा, प्लस इंसेंटिव्स रहेंगे, ठीक है। तो बैंक एक बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। तो आप जो भी लोग बैंक्स में इंटरेस्टेड हों जॉब करने के लिए या बैंक्स में अपना करियर बनाना चाहते हों, ठीक है, क्योंकि बैंक एक सिक्योर जॉब है और किसी पर्टिकुलर जॉब से। थैंक यू। एज ए कैंडिडेट मैं कुछ क्वेरीज आपसे करना चाहूँगा, जैसे फ्रेशर्स के लिए आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रेजुएट मैं फ्रेशर हूँ लेकिन मेरे को कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, क्या मैं आपके लिए उपयोगी हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जैसा कि आप बता रहे हैं शुरुआत में करीब 12,000 रुपये मेरे को दें, क्या उसमें PF और उनकी कटौती होने के बाद में है या बाद? ओके, ठीक है। दूसरा, मैं क्या आपके ऑन रोल रहूँगा या ऑफ रोल रहूँगा? ओके, क्या मेरे को कोई महीने का टारगेट रहेगा कि मैं इस तरह से वर्क करूँ, प्लीज़ उस पर फोकस करें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो सर ने पूछा कि टारगेट रहेगा या नहीं। सो मैं इसका एक बहुत ही ब्रीफ आंसर देना चाहता हूँ कि दो तरीके की जॉब होती है मार्केट में, एक होती है टारगेट बेस्ड सैलरी और एक होता है टारगेट बेस्ड इंसेंटिव। मान लीजिए दो लोग हो, आप लोग काम कर रहे हो बैंक में, ठीक है, दोनों को सेम सैलरी मिल रहा है, सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है, सेम बॉस है, ठीक है। तो एक ईयर में जिसका टारगेट ज़्यादा होगा मैं प्रमोशन उसी को दूंगा, ठीक है, क्योंकि सैलरी दोनों को सेम मिल रहा है, काम भी दोनों का सेम है, बट हाँ जिसने ज़्यादा काम किया है तो मैं नेक्स्ट ईयर प्रमोशन भी उसी को दूंगा और उसको इंसेंटिव भी ज़्यादा मिलेगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना जो फर्स्ट स्टेप लिया था वो लिया था 1996 में। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी फिनोजैम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ये एक एसेट कंपनी थी और दे आर डीलिंग इन टू व्हीकल फाइनेंस, है ना। व्हीकल फाइनेंस से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। नाम आज भी स्मॉल फाइनेंस में नंबर वन पे है और नाउ दे आर फाइलिंग फॉर कॉमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस,
है ना, कमर्शियल के लिए वो फाइट कर रहे हैं। सेप्टेम्बर 3 को उन्होंने इसके लिए अप्लाई भी कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली हमको वो लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो जैसे HDFC ICICI आप नाम सुनते हो, वैसे ही AU भी कमर्शियल कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। सो आप इस सब को जानते हुए आप समझ ही पा रहे होंगे कि AU ने कितने कम टाइम में कितना अच्छा ग्रोथ लिया है। तो अगर आप ऐसे बैंक को ज्वाइन करते हो जो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है और ग्रोइंग फेज पे है, तो आपकी ग्रोथ भी उतनी ही ज्यादा होती है। आप समझ रहे हो, जैसे अगर आप कोई कंपनी है जो ऑलरेडी ग्रो है, जैसे ICICI हुआ, HDFC हुआ, वो ऑलरेडी इनटू ग्रोथ फेज है, और कोई कंपनी जो ग्रो करी है उसके साथ में अगर आप जाते हो तो वो आप भी ग्रो करते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है टू स्टेप इन आउट, है ना, इनटू अ बैंक, एंड दैट इज टू AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये मैंने आपको बताया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ग्रो किया, स्मॉल फाइनेंस का कैटेगरी कहाँ मिला। अब मैं धीरे धीरे जाऊँगी कि हम किस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, उसके लिए कैंडिडेट्स देख रहे हैं। तो फील्ड स्टाफ का क्या रोल होगा वो मैं थोड़ा सा आपको एलोबरेट करती हूँ। फील्ड स्टाफ जो है वो बेसिकली हमारा माइक्रो फाइनेंसिंग के डिवीजन में देखेगा। माइक्रो फाइनेंसिंग जो हमारे स्मॉल ग्रुप लोन्स देता है ना, दैट डिवीजन, उसमें लोन डिसबर्समेंट का काम करेगा फील्ड ऑफिसर, और रिकवरी का काम करेगा, मतलब लोन बांटने का भी काम करेगा और लोन वापस रिकवर करने का भी काम करेगा। ये उसका बेसिक काम होगा, ठीक है। अब इस रोल के लिए हमें क्या कौन से लोग चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 12th पास भी वी आर टेकिंग, है ना, 10th पास भी इन सम केसेस, बट मैक्सिमम 12th पास, ग्रेजुएशन, ये सब हम लोग लेते हैं, 10, 12 सब, है ना। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो उसके हिसाब से भी वी गिविन यू अ वेटेज। इसके लिए CTC क्या ऑफर है, CTC 1.70 का हम लोगों ने ऑफर किया है। ये 1.70 सिर्फ आपका CTC रहेगा, इसके अलावा कंपनी आपको रेजिडेंस, पेट्रोल और अलाउंसेस अलग से देती है, ठीक है। तो रेजिडेंस की फैसिलिटी भी बैंक की तरफ से ही होती है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। उसमें आपको एक कुक भी दिया जाता है जो आपके लिए खाना बनाता है, बट थोड़ा सा खाने का एम्प्लॉय खुद अपना मैनेज करते हैं, जो भी 500-600 रुपीज़ होते हैं, बाकी इट इज़ फ्रॉम बैंक साइड। पेट्रोल अलाउंसेज अलग मिलते हैं, और बाकी अलाउंसेज लाइक अगर आप ट्रैवल करते हो या कुछ और अलाउंसेज होते हैं तो वो दैट इज़ ओवर एंड अबव। इंसेंटिव्स भी इसमें हैं, तो इंसेंटिव अगर आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे वो आपका ओवर एंड अबव ही रहेगा। रोजगार कार्यालय भीलवाड़ा द्वारा आज एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन ग्रामीण हाट बाज़ार में किया जा रहा है। इसमें करीब 13-14 हमने स्टॉल लगाई है, जिसमें स्थानीय नियोजक हैं, उसमें मुख्यतः मॉडर्न वुलंस है, BSL है, संगम इंडिया है, और AU स्मॉल बैंक है, एक्सिस बैंक है। इस तरह से करीब 14 स्टॉल्स हैं, जिनमें लगभग 600 के आसपास वैकेंसीज राइट नाउ वो अपना जो है इंटरव्यू ले रहे हैं इसमें, और अब तक करीब 500 के आसपास बच्चे आ चुके हैं, इनके अपने इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। इसमें जो पद हैं 8वीं मिनिमम मशीन ऑपरेटर से लेके ग्रेजुएट्स, MBA, CA वगैरह सभी तरह की अलग अलग तरह की वैकेंसीज़ हैं, और कुछ हमारे उदयपुर से भी एम्प्लॉयर आए हैं, एडवर्ड इंटरनेशनल के भी पास अपना जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री की भी वैकेंसीज़ है। मैं समझता हूँ इसमें अच्छा परिणाम आ रहा है।